हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। आज मैं आप लोग का शेयर करने वाली ब्यूटीफुल आई मेकअप लुक, तो किस तरीके से करना है पिंक ड्रेस के साथ ये मेकअप सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और करने वाली हूँ ये वाला आई मेकअप लुक। ओके, तो हुडा ब्यूटी का प्राइमर है, इसको अप्लाई कर रही हूँ मैं। इतना सा प्राइमर लिया है, इसको अपने जहाँ पे भी ओपन पोर्स आते हैं वहाँ पे लगाने, ओपन पोर्स होते हैं जैसे कि पसीना जहाँ से आता है, ओपन पोर्स होते हैं वहीं से हमारे पसीना निकल के हमारे मेकअप को ब्लैक कर देता है। तो प्राइमर लगाओगे तो अच्छे से आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा एंड आपके पोर्स को हाइड कर देता है, जिससे आपका पसीना नहीं निकलता है एंड आपका जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ब्लैक नहीं करता है। तो इस तरीके से मैंने प्राइमर लगा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपको करना क्या है, वन सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लैक्मे 925 का फाउंडेशन ले रही हूँ, ज़रा सा लिया है एंड टैप टैप कर लेना है और मैं इसको अपनी फिंगर टिप्स से ही ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन ब्लेंड करते टाइम आपको थोड़ा सा मेकअप फिक्सर अपने फेस पे अप्लाई करना है, इससे क्या होगा कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपका जो फाउंडेशन है वो ब्लैक नहीं होगा। ब्यूटी ब्लेंडर भी आप यूज कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से गीला करना है, देन इसका सारा पानी निकाल देना है, उसके बाद यूज करना है। तो बस फाउंडेशन लगाने से ही मेरा ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लियर दिख रहा है एंड कोई भी डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी, कंसीलर लगाने से हमारा जो मेकअप होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो कंसीलर मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, आई मेकअप मैं लास्ट में करूँगी क्योंकि पूरा मेकअप बताना ज़रूरी है। अब उसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम लोग आई मेकअप के लिए कंसीलर अपने आईज के जस्ट ऊपर अप्लाई करेंगे। और इसको ब्लेंड कर देंगे। आप कॉम्पैक्ट पाउडर को पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा बेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो कॉम्पैक्ट पाउडर है हमारा HD का। बिल्कुल नॉर्मल मेकअप बता रही हूँ मैं, इसमें मैंने कोई कहीं भी कलर करेक्टर कॉन्टोर वगैरह यूज़ नहीं किया है।
तो ये आपका फेस का बेस रेडी हो चुका है। अब हम लोग मेकअप स्टार्ट करेंगे, आई मेकअप, जो कि मेन टॉपिक था, ब्यूटीफुल पिंक आई मेकअप लुक। ओके, उसके लिए हमको ब्रश चाहिए, तो ये वाला ब्रश ले रही हूँ मैं, एंड लाइट कलर का पिंक शेड पिक करेंगे हम लोग। तो ये है लाइट पिंक कलर, इसको अच्छे से ब्रश में लेंगे। जैसे कि हमने फेस का मेकअप पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे। ओके, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालने के बाद से आपको यहाँ पे जो हमारी हड्डी होती है, क्रीच एरिया, जस्ट उसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके, ब्रश को राउंड राउंड घुमाना है। ओके, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, डार्क कलर का लेना है, तो मैं यहाँ पे डार्क मैरून कलर ले रही हूँ, इसको भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, एंड आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक अप्लाई करेंगे। ओके, इतना करने के बाद से आपको जस्ट लो वाटर लाइन पे डार्क पिंक कलर ऐड करना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको बनानी है कट क्रीज। कट क्रीज बनाने से पहले मैं काजल अप्लाई कर लूँगी। काजल ये मेरा लैक्मे 9 to 5 का है। अगर आपकी आईज बहुत छोटी हैं तो आप वाइट काजल अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो मैंने वाइट काजल अप्लाई करके दिखाया था, बट अभी मुझे ब्लैक काजल लगाने का मन था, तो मैं ब्लैक काजल के साथ अपने मेकअप को कंप्लीट कर दूँ। ओके, अब क्या करना है, अब हमको कट क्रीज बनानी है। कट क्रीज बनाने के लिए मैं ये वाला कंसीलर ले रही हूँ, एलेगर्स का। कट क्रीज बनाने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। और एक प्रॉपर लाइन बनानी है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। इसको दबाने पे इसका क्रीम जो है वो बाहर आएगा।
वो इस तरीके से मैंने कट फिश बना लिया है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं फिंगर टिप्स की मदद से या फिर हैंकी की मदद से हल्का सा निकाल लेंगे। एंड दोबारा से इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हम लोग को इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करना है। कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने के लिए आपको लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर, और कॉम्पैक्ट पाउडर को ब्रश में लेंगे, ब्रश टप टप टप, ओके। इसके बाद जो हमने डार्क कलर का सॉरी आई शेडो यूज किया था वही कलर दोबारा से पिक करेंगे। वन सेकेंड, मेरा ब्रश डार्क रेड कलर पिक किया है, देन यहाँ से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब क्या करना है, अब आपको लेना है व्हाइट कलर, सिल्वर कलर आपको इनर कॉर्नर पे अप्लाई करना है। जब आप इनर कॉर्नर पे कलर अप्लाई कर रहे हो तो जस्ट नीचे भी आपको वही कलर यूज करना है। अब हम लेंगे पिंक कलर, लाइट पिंक कलर लिया है। बस इस तरीके से अप्लाई कर देना है। इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे ग्लिटर, तो ये है मेरा ग्लिटर पैलेट। इसको ओपन करेंगे एंड पिंक कलर पिक करेंगे ग्लिटर ब्रश में। पिंक कलर लिया है, और इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। और ब्यूटीफुल सा हमारा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अब हमको क्या करना है, अब हमको लेना है हाइलाइटर। वन सेकेंड, सर्दी हो गई गाइस, प्लीज डोंट माइंड। तो ये है मेरा स्विफ्ट ब्यूटी का हाइलाइटर, तो इसको ब्रश में पिक करूंगी, मिरर ले लेंगे, देन आईब्रो के जस्ट नीचे अप्लाई करेंगे। हाइलाइटर थोड़ा आपकी स्किन शेड से लाइट होता है तो अच्छा लगता है, और ये मेरे स्किन शेड से लाइट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा ब्लशर पैलेट है उसमें से जो वाइट कलर है उसको पिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे।
इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करेंगे। ओके और अब जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि आपके फेस पे गिरा है उसको रिमूव करेंगे। उससे पहले हम लोग अपना लाइनर और मस्करा लगा लेंगे। ये मैंने लाइनर ले लिया है, देन यहाँ से स्टार्ट करूँगी इनर कॉर्नर से, लाके इसमें मिक्स कर देंगे। मुझे थोड़ी सी चौड़ी आईलाइनर पसंद है, आपको जैसी पसंद हो आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। ओके सेम इसी तरीके से दूसरी साइड लगाएंगे। अब थोड़ा सा फेस का लुक कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट लाइट। यहाँ से मैंने किया था वीडियो को थोड़ा सा फास्ट क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो रही थी, तो ब्लशर अप्लाई करने के बाद नाक पे भी थोड़ा सा लगाया था, इससे अच्छा लुक आ जाता है। तो मैंने इस तरीके से ब्लशर को अप्लाई किया, उसके बाद तुरंत हाईलाइटर यूज किया। हाईलाइटर शिव ब्यूटी का था जो कि काफी लंबे अच्छा इसका रिजल्ट है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, बिल्कुल नेचुरल कैमरे से आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना लाइनर लगाने के बाद से आईब्रो को फील करेंगे। आईब्रो को कुछ इस तरीके से जैसा आपको शेप देना उस हिसाब से दे दीजिए, एंड अपर डायरेक्शन से इस तरीके से करते हुए हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इनर कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करना है, एंड धीरे धीरे और इस तरीके से आईब्रो को फील करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी फील कर लेंगे एंड इसको मिक्स कर देंगे आईब्रो फीलिंग ब्रश से। ओके उसके बाद मैं पिंक कलर का ही लिपस्टिक ले रही हूँ, पिंक कलर का आई मेकअप है। इस तरीके से कुछ मैं अपने लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ। जो हमारा लिप्स का शेप होता है कई बार ऊपर नीचे होता है, तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो आपका शेप है आप उसी तरीके से लिपस्टिक लगा के छोड़ दो, जैसा आपको चाहिए आप उस तरीके से लिपस्टिक लगाइए। तो दूसरी साइड आप देख सकते हो कि लिपस्टिक लगा लिया है मैंने अच्छे से नीचे की तरफ भी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने आवाज़ एडिट तो की थी बट वो निकल गई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने दोबारा से यहाँ पे आवाज़ ऐड किया है। मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे लिपस्टिक को प्रॉपर लाइन के साथ। तो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट होने वाला है। बालों को मैं थोड़ा सा बनाऊंगी एंड अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मेकअप फिक्सर यूज करूंगी बाद में, और आई लैसेस के साथ अपने मेकअप को कंप्लीट किया है मैंने, और ये है मेरा फाइनल लुक। ये आई मेकअप मैंने आपको दिखाया था और सेम इसी तरीके से किया है। आपको कैसा लग रहा है, जो इन आउटर कॉर्नर पे डार्क दिख रहा है वहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लैक कलर अप्लाई करोगे तो डार्क हो जाएगा, बट मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था तो मैंने नहीं लगाया है। बट अगर आपको सेम टू सेम वैसा ही चाहिए तो आप थोड़ा ब्लैक कलर वहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। और कैसा लग रहा है मेरा लुक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ये था जो मैंने आपको मेकअप लुक दिखाया था और ये है मेरा फाइनल लुक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी इंस्टा आई डी PreetyY224 है, वहाँ पे भी ज़रूर जाइए, वहाँ पे मैं रील्स वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट फ़ोटो है एंड दो तीन फ़ोटो शेयर की थी, तो आप देख लो। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगा हेयर स्टाइल से आप बोर हो चुके होंगे, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप के साथ अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेकअप में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिक मेकअप लुक आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ इस वीडियो को वायरल करा दीजिएगा यार। तो बाय बाय, टेक केयर गाइज़।